ये मैजिक वुड है जो बहुत ही फास्ट आग पकड़ती है। अच्छा अच्छा ये पेड़ है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पाइन ट्री जैसा ही दिखता है ये बता रहे, इधर वाला। हाँ हाँ बीच वाला। हाँ हाँ जी 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 जी, ये पेड़ बता रहे इसकी मैजिक वुड है। हाँ हाँ जी जी, यही पेड़ है, पाइन ट्री जैसा ही है। पाइन ट्री की थोड़ी ग्रीन ब्लैक पत्तियाँ होती है, इसकी एकदम ग्रीन पत्ती है, ऐसा पेड़ है इनका। और पेड़ का नाम क्या है वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये आग पकड़ती है, ऐसे देख सकते हो आप, ये सीधा आग पकड़ती है, बहुत ही फास्ट स्पीड से आग पकड़ रही है। देखो मैजिक वुड है। चाय पक के तैयार है, खूबसूरत नज़ारे के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, इन फार्मर्स का ये हथियार जो काफ़ी मैंने पहले वीडियो में देखा था, आज रियल में देखने को मिल रहा है। ऐसा ऐसे बजाते हैं। अच्छा चलो आपको भी दिखाते हैं, मुझे पहले बता दिया इन्होंने कैसे बजाते हैं। इसमें जो फटाकों में छोड़ी जाने वाली शोर आती है या जिसे मादक पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। भाई साहब खुल जा रहे यार, खुल नहीं रहा। मादक पदार्थों को इसके अंदर डाला जाता है, ये इस तरह होल है, इसके अंदर डाल के उसके बाद इसको ऊपर ऐसे लगा देते हैं और फिर इस तरह से वापस ऊपर से प्रेस करते हैं, जोर से दबाते हैं तो बोलते हैं भम, दे दी आवाज़ आती है। और यहाँ पर ये छोटा सा होल है, इस होल में अंदर इतना ज़्यादा विस्फोट ना हो, धुआं वगैरह है वो बाहर आ जाए, वरना ये क्या चीज़ है यार, इसको भी बिखेर देता, लो है तो कुछ नहीं है, मतलब कितना खतरनाक विस्फोट होता है उनका, ये आज रियल में देखने को मिला। इनके पास अभी ये मादक पदार्थ है नहीं, वरना आपको लाइव अपडेट दिखा देते कैसे बचता। बहुत सही यार बना रखी इन्होंने। जब कभी भी हमें दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। ओके बाय बाय। बहुत ही अच्छे यार स्माइल देखो। सो गाइस अभी हम यहाँ से बढ़ रहे हैं वापस नीचे की ओर। पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। अभी देख सकते हो मैं जस्ट 5 मिनट पहले बोला ही था मौसम ख़राब हो रहा और बारिश शुरू हो ही गई, देख सकते हो आप। चलिए भाई साहब धन्यवाद। कितना 1 किलोमीटर है? अरे कोई नहीं, तो 1 किलोमीटर के लिए इनके साथ। तो कोई बिजली विभाग की गाड़ी जिसमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए हिचाकी मिली मुझे। डर भी लगा, मज़ा भी आया। तो गाइज अभी हम आए हैं मणिकरण। ओके सो गाइज अभी हम आ गए हैं मणिकरण। मणिकरण का ये ब्रिज है, पार्वती रिवर के ऊपर मणिकरण का ब्रिज है, इस पर अभी चल रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस तरह से लोग किए हुए बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक नज़र जा रही है। यहाँ पर आते हैं जो भी मन्नत मांगते हैं वो, यहाँ की मतलब धारणा है कि जो मन्नत मांगते हैं उसकी पूरी होती है जो मन्नत, ऐसे लोग को यहाँ पर लगा देते हैं, बहुत सारे लोग हैं।
अभी हम यहाँ मणिकरण में सबसे प्राचीन राम मंदिर है वहाँ पर आए। चलो मंदिर के अंदर मंदिर का दर्शन करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम रामदास है। मैं यहाँ का, मैं वृंदावन मथुरा से हूँ, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे निवास करता हूँ। 9 महीने यहाँ रहता हूँ और 3 महीने वृंदावन मथुरा से। तो भैया, इस मंदिर की जानकारी में आपको ये सूचित किया जाता है कि ये मंदिर जो है एक राजतंत्र से बना हुआ है, जो राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो कुल्लू से राजा जो था उसने इसका निर्माण किया। उसको कुष्ठ रोग हो गया था, काफ़ी उसने अपना इलाज कराया, लेकिन इलाज कराने के उपरांत जब उसका रोग सही नहीं हुआ तो यहाँ के जो ज्योतिषी थे, विद्वान पंडित से, उनसे जानकारी की। तो जानकारी जब की तो पंडितों ने, विद्वानों ने बताया कि आप जो है अयोध्या से राम जी की मूर्ति लाइए तो आपका एक रोग सही हो सकता है। तो राजा ने अपने मंत्री यहाँ से भेजे और वहाँ से जो है राम जी की मूर्ति रघुनाथ जी की मंगवाई, यहाँ से स्थापित किया। जब मूर्ति मंगवाई, यहाँ पे स्थापित किया, तो धीरे धीरे जो उसका कुष्ठ रोग था वो सही हो गया। यहाँ से आगे शिव मंदिर आगे बना हुआ है कुछ ही दूरी पे। तो शिव मंदिर का इतिहास है कि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए इस स्थान पे आए। कृपया शिव जी को यह स्थान बहुत ही प्रिय लगा, अच्छा लगा, तो उन्होंने 11,000 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या करी। उसी पीरियड में पार्वती जी की मड़ी जो थी वो स्नान बनाते वक्त सरोवर में गिर गई। अच्छा, वो कुंडल। हाँ, काफ़ी कुछ उसको खोजा, जब वो नहीं मिली तो पार्वती के साथ जो सखियाँ थी उन्होंने जाकर के शिव जी को अवगत कराया। शिव जी ने भी अपने गणों को भेजा कि जाओ कानों की मड़ी जो है उसको ढूंढो, फिर भी वो नहीं मिली। जब वो मड़ी नहीं मिली तो शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो उनके तीसरे नेत्र से नैणा माता प्रकट हुई, जिनका बीच में कुछ ही दूरी पे मंदिर बना हुआ है, आगे उनका रथ भी खड़ा हुआ है। वो पाताल लोग जाकर के शेषनांग को अवगत कराया। शेषनांग को अवगत कराया तो शेषनांग ने जोर की फुफकार मारी, उसमें से बहुत सी मड़ियाँ प्रकट हुई। गर्म जल प्रकट हुआ नीचे से, फुफकार से जो है गर्म जल ऊपर को आया फुहारे के रूप में। उसमें पार्वती ने अपनी मणि ले ली, शेष मणियों को जो है पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोग बाग यहाँ झगड़ा करेंगे, झंझट फसाद करेंगे, मारकाट करेंगे, यूँ करके श्राप दे दिया। बाकी तो मणियाँ जो थी पत्थर हो गई। उसके बाद में जो बाला मर्दाना यहाँ पे आए शेष स्थान पे, बाला मर्दाना आए तो उन्होंने जो है उसके साथ में जो बाला था वो बोला, प्रभु जी आप तो भोजन करते नहीं, मेरे को भूख लगी हुई है। बोले, जाए तेरे पास में कछु है? बोला, प्रभु जी थोड़ा सा आटा है मेरे पास। बोला, पत्थर चखो, क्योंकि भोजन बनाने के लिए अग्नि का कोई साधन नहीं था, उस पीढ़ी में आग का कोई साधन नहीं था। तो जब उन्होंने पत्थर को चखा तो नीचे से गरम जल निकला। गरम जल तो पहले से ही था, समय बीतते बीतते परिवर्तन होता गया, वो जल जो था गम नीचे लुप्त हो गया, ऊपर से पहाड़िया थी दब गया, जो पत्थर चखा गया जल प्रकट हो गया। उसमें उन्होंने अपने फुलके बनाए, जब फुलके बनाए तो सारे फुलके अंदर चले गए। बोले, प्रभु जी लो, थोड़ा सा आटा था वो भी नीचे चला गया। बोले, आपने अरदास नहीं करी, जाओ प्रभु के अरदास करो, आपके सारे फुलके जो है आप मिल जाऊंगे आपको। मर्दाना जो था उसने आकर के अरदास करी, अरदास करने से उसके जो सारे फुलके थे ऊपर को आ गए। उसने इस तरीके से खाक उनको पा करके अपनी भूख को मिटाया। काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पे अपना निवास किया। उसी पीरियड से जो है यहाँ के लंगर चलने लगा। अच्छा, हाँ, लंगर की प्रथा जो है उसी टाइम से धीरे धीरे यहाँ पे ये लंगर शुरू हो गए। ये गर्म कुंड है वही उसी टाइम नाग द्वारा, हाँ, ये शेष नाग के द्वारा उर्ध एक गर्म जल प्रकट हुआ। और ये गुरुद्वारे में जाता है वो भी यही पानी है? सेम यही पानी। अच्छा, जो 3-4 कुंड बने हुए जगह जगह मेन इसका जो है, जो शिव मंदिर में बीच में जल निकला है जिसमें मटके पड़े हुए हैं, तो मेन तो यही है, मेन वही था, मेन यही है। अच्छा, बाकी इसकी शाखाएं फिर इधर उधर 4 किलोमीटर के क्षेत्र में। अच्छा, 4 किलोमीटर क्षेत्र में, चार किलोमीटर के क्षेत्र में ये गर्म जल निकलता है।
मेन जो है इसका शिव मंदिर के अंदर जो जल निकल रहा है ये कोई अभी तक रहसी नहीं, जमीन से आ रहा पानी गर्म। हाँ जी, इसका जो है आते ही नीचे से रहा है। अच्छा, लेकिन काफ़ी कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे आए। हाँ। कई रॉन्ग साइंटिस्ट आए यहाँ पे, उन्होंने इसका खोज भी की, कई मशीनें भी लगाई, लेकिन सारी मशीनें फेल हो गई। कोई मतलब तक नहीं, वो इसका जो है कोई बता रहा है पोटास है, कोई गंधक बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, फिलहाल एक निष्कर्ष पे कोई नहीं पहुँचा है। इसकी खोज किसी से नहीं कर पाया कि किस तरीके से नीचे से ये जल आ। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें समय दिया बात करने के। गरम गरम है काफ़ी। डालोगे पाखिर? बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, हाथ जल गया। ओ भाई तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ चौंच विलेज, जो मणिकरण और कसोल के बिल्कुल सेंटर में है। 2 किलोमीटर इधर कसोल है, 2 किलोमीटर इधर मणिकरण है। चौंच विलेज ये रोड के नदी के उस पार है, बीच में नदी चलती है, उस पार वो चौंच विलेज रह गया। चौंच विलेज एक्सप्लोर करने से पहले हम अभी यहाँ पर एक मंदिर है, आपको मंदिर में विजिट कराते हैं। देखिए, पूरे पाइन ट्री के बीच में बना हुआ मंदिर है, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं आप। दुर्गा मैया की फोटो है यहाँ पर, जय माता दी लिखा हुआ है। तो ये माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी सी घंटी भी है। यहाँ पर रंग बिरंगे बहुत सारी पताका आप देख सकते हो, और पाइन ट्री के बिल्कुल नीचे मंदिर है, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से।